सभी किसान भाइयों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल आरसी के टैग ब्लॉग में। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सत्रही किस्त को लेकर। जिन किसान भाइयों की अभी तक 16 किस्तें आ चुकी हैं और सत्रही किस्त किसानों को इंतजार कर रहे हैं, तो सत्रही किस्त को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है जो कि इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे दोस्तों। तो जिन किसान भाइयों की KYC भी नहीं हो रखी है, वो 5 जून से 10 जून तक यहाँ पर अपनी सेचुरेशन कैंप के थ्रू KYC करा लें, तभी आपका जो है सत्रही किस्त का पैसा दोस्तों मिल पाएगा। और जिन भाइयों की KYC हो चुकी है, उन भाइयों का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उनकी सत्रही किस्त जो है 5 जून के बाद आने वाली है दोस्तों। तो जिन किसान भाइयों की KYC नहीं हो रखी है, अपना सीधे यहाँ पे pmkisan.gov.in के पोर्टल पे आएंगे और यहाँ पे KYC वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से भी अपनी KYC कर सकते हैं, या फिर तो अपनी ये जो 5 जून से 15 जून तक सेचुरेशन कैंप चलाया जाएगा उसमें जो है किसान भाई अपनी KYC करा सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे आएंगे इस पोर्टल पे तो अपनी KYC, और जिन किसान भाइयों का अभी यहाँ PM किसान सम्मान निधि के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, वो रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं दोस्तों। तो जिन किसान भाइयों की KYC नहीं हो रखी है, उन किसान भाइयों को तो यहाँ पर KYC करना अनिवार्य है, तभी आप सत्रही किस्त का लाभ दोस्तों उठा पाएंगे। जबकि यहाँ पे अभी तक किसानों के खाते में 16 किस्तें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के थ्रू भेजी जा चुकी हैं और किसानों को सत्रही किस्त का लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पे KYC के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ पॉपअप ओपन हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप अपनी डिटेल भर के या फेस अथॉरिटीकेशन के जरिए अपनी KYC कर सकते हैं, या यहाँ पे सिचुएशन कैंप के थ्रू भी कर सकते हैं। यहाँ पे लैंड सीडिंग भी कर सकते हैं, भूमि का सत्यापन, ये सब करने के बाद दोस्तों ही आपको सत्रही किस्त का लाभ यहाँ पे दिया जाएगा, जो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 16 किस्तें मिल चुकी हैं और सत्रही किस्त आने वाली है इसी मंथ में 5 जून के बाद दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी दोस्तों अच्छी लगी होगी। जानकारी दोस्तों अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक शेयर जरूर कर देना। हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।